कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गोपाल कृष्ण गांधी जी, आदरणीय उमेश पटेल जी, केसरीलाल वर्मा जी, कार्य परिषद के सदस्यगण, संकाय अध्यक्षगण, विद्या परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, अधिकारियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों, छात्र छात्राओं, गणमान्य नागरिकगण, मीडिया के साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज महाशिवरात्रि है, इस पावन अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि ऐसे पावन अवसर में आज कुलाधिपति के द्वारा, कुलपति के द्वारा आपको गोल्ड मेडल और पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई, इसलिए मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। भगवान शिव ने जहां योग सिखाया, जहां संगीत और नृत्य सिखाया, वहीं उद्यमता के की भी शिक्षा उन्होंने दी। ये हमारा सौभाग्य है कि गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ वर्ष हम मना रहे हैं, और ऐसे अवसर में रविशंकर विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में गांधी जी के प्रपौत्र गोपाल कृष्ण गांधी जी उपस्थित हैं। यह वर्ष गांधी जी को समर्पित हमने जो कैलेंडर बनाया, वो हमारे जो इतिहास पुरुषों से जुड़े हुए, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जो हमारी स्मृति है, गांधी जी से, नेहरू जी से, पटेल जी से, सब महापुरुषों को कैलेंडर में हमने इस वर्ष लिया है। साथ ही गांधी जी ग्रामीण भारत की बात कहते थे, पूरा यह देश गांव में बसता है, और इसलिए इस वर्ष हमने जो नारा दिया है, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, एला बचाना है समाज। गांधी जी ने स्वावलंबन की बात कही थी, हम गांव को स्वावलंबी बनाएं, मवेशियों की चारा की व्यवस्था करें, स्वच्छता की दिशा में काम करें, पर्यावरण को बचाने का काम हमको करना है। इस दिशा में हमने काम शुरू कर दिया है। गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप, उनके उपदेशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। इस सभागार में बैठे हुए हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, शोधार्थी हैं, आज गौरव का अनुभूति वो कर रहे हैं, और आपको सम्मानित करके हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप सब हमारे छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य हैं। विशेषकर महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा सम्मानित करने का अवसर आपने प्रदान किया, सबसे ज्यादा संख्या में आप लोग उपस्थित हुए। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि बेटियां बहुत आगे बढ़ गई हैं। चुनौती हमारे भाइयों के लिए है, पुरुषों के लिए है, बेटों के लिए है, तो इस प्रतिस्पर्धा में आप पिछड़ते जा रहे हैं, ये आपके लिए चिंता के विषय हो सकता है। यहां से निकलने के बाद सबसे बड़ी चिंता रोजगार की होती है, और मैंने एक तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कही, ऋण माफी की बात, आप सब जानते हैं पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि कीमत में धान खरीदी की व्यवस्था यदि कहीं की गई तो छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये क्विंटल हमने निर्णय लिया है।
अब सवाल रोजगार का है। रोजगार एक बड़ी चुनौती है इस प्रदेश के सामने, देश के सामने, और इसके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार पीछे नहीं है। हम एक साल के भीतर में बहुत ही अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर पार्क हम नई राजधानी में स्थापित करेंगे, पूरे प्रदेश में हम फूड पार्क स्थापित करेंगे। यह प्रदेश 44% वन से आच्छादित है, वहाँ औषधियाँ हैं, लेकिन सारे औषधि बाहर जाता है, उसका निर्माण बाहर में होता है, बाहर के लोगों को रोजगार मिलता है। तो औषधि निर्माण के भी प्लांट हम अपने छत्तीसगढ़ में लगाएंगे ताकि रोजगार भी मिले और व्यवसाय भी फले फूले। चाहे वो अनाज हो, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, चाहे वन औषधि है, उनसे जुड़े हुए हम प्लांट लगाएं ताकि रोजगार भी मिले और रोजगार के साथ व्यापार फले फूले। इस दिशा में हम लोग काम करना चाह रहे हैं। जो स्वरोजगार के तरफ काम करना चाहते हैं, वित्तीय सहायता के मामले में सरकार फिर से रिव्यू करेगी और उसको विस्तार देगी ताकि हमारे जो स्वरोजगार के क्षेत्र में जो काम करना चाहते हैं, अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं, उसके लिए फिर से हम पुनः परीक्षण करेंगे और विस्तार देने का काम करेंगे। क्योंकि आज गोपाल कृष्ण गांधी जी को हमने आमंत्रित किया है, बहुत विद्वान आज पूरे देश के बुद्धिजीवियों में सबसे अग्रणी, उनको हम सुनना चाहते हैं। इसलिए और ज़्यादा कुछ न कहते हुए सभी शोधार्थियों को, सभी गोल्ड मेडलिस्ट को, सभी को मैं बधाई देता हूँ, विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। केसरी वर्मा जी ने बहुत कम समय में, अभी यंग साइंटिस्ट 2019 का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया और इसी सभागार में दक्षिण एशियाई देशों के विश्वविद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्होंने कराया। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को और कुलपति जी को बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर।